नमस्कार फ्रेंड्स, प्लैनेट हब चैनल में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है। और इस बार सब्जेक्ट रहेगा धनु राशि फलादेश 15/9 से लेकर 15/10 2021 2021 में 30 डेज का पीरियड 15/9 से 15/10 तक का कैसा रहेगा। धनु राशि सेजिटेरियस की बातें कर रहे हैं और गुरु के घर की राशि और बहुत ही पॉजिटिव चलने वाली है। ये 30 डेज आपके जीवन में बहुत ही बढ़िया रहने वाले हैं। आपके जीवन का सबसे बड़ा मूवमेंट ये 30 डेज में आपको देखने को मिलेगा। सोचिए वो कैसे हो सकता है। सबसे पहले देखते हैं लग्नेश गुरु जाके बैठेंगे यहाँ सेकंड हाउस में। गुरु यहाँ वक्री होके मकर राशि में 15 सितंबर को आएंगे और 15 नवंबर तक रहेंगे। तो ये गुरु आपके लिए बेहतरीन साबित होंगे। वो कैसे, सबसे पहले देखिए कि ये गुरु की जो दृष्टि है वो कहाँ कहाँ गिरती है। गुरु की तीन नज़र होती है। गुरु की पंचम नज़र जो होती है वो यहाँ सिक्स्थ हाउस पे गिरेगी। गुरु की जो सप्तम नज़र है वो यहाँ एट हाउस पे गिरेगी। और गुरु की जो नवम दृष्टि है वो गिरेगी यहाँ आपके टेंथ हाउस पे, दसम स्थान में गिरेगी। ये एक बहुत बड़ा राजयोग बनेगा। यहाँ सबसे पहले गुरु देखेगा आपकी लायबिलिटी, जो कर्जा, जो स्वास्थ्य, हेल्थ आपकी खराब है उसको पहले ठीक करेगा। आपको जो कर्जे हो गए उसको कैसे ठिकाने लगाना, उसको कैसे समाप्त करना, फिनिश करना, उसके लिए सब सिचुएशन तैयार करेगा। और अष्टम स्थान को देखेगा तो आपको अचानक कोई अनबिलीवेबल पैसे आपके हाथ में आ सकते हैं, अनएक्सपेक्टेड मनी आपके हाथ में आ सकते हैं। कोई विल वारसे से भी आपके पास पैसे आ सकते हैं। शेयर सट्टा, लॉटरी, वायदा बाजार, ये सब भी यहाँ से देखा जाता है अष्टम स्थान से। पंचम स्थान तो है ही, लेकिन अष्टम स्थान इससे भी भारी स्थान है। और गुरु की जो नवम दृष्टि है वो टेंथ हाउस के ऊपर गिरेगी। यहाँ ऑलरेडी मंगल और सूर्य महाराज बैठे हुए हैं, तो मंगल आपकी कुंडली में पंचम स्थान के स्वामी हैं। उसको गुरु खुद देखेगा अपनी नवम दृष्टि से। तो ये 30 डेज आपके लिए बहुत ही बेहतरीन है। बुध ऑलरेडी कहाँ बैठेंगे, लाभ स्थान में, और शुक्र 12th हाउस में। यहाँ का शुक्र सबसे भारी गिना गया है। शुक्र जब भी 12th हाउस में चलते हैं व्यक्ति लग्जरियस जीवन जीता है, पैसे आमदनी बहुत आते हैं और खर्चा भी दिल से करते हैं ऐसे लोग। जिसका भी शुक्र 12वें स्थान में जन्म का बैठा हुआ है वो व्यक्ति प्रसन्न समझ लीजिए खर्चा करने के लिए धरती पे आए हैं। इतने पैसे इनके पास आते हैं, वो जितना भी खर्चा करेंगे उनके पास पैसे आते रहेंगे। अपने आप को कैसे आएंगे वो ग्रह उसका निर्माण करता है। इसलिए यहाँ 30 डेज में जो मेन बातें होने वाली है वो बिजनेस बिजनेस बिजनेस, ओनली बिजनेस डेवलप होगा। आपके काम जो रुके हुए वो चलने हो लग जाएंगे, एकदम से उसमें फास्ट मूवमेंट आने लगेगी। आपके कामों में एक तीव्रता आने लगेगी, स्पीड आने लगेगी, पेमेंट आने लगेंगे, पैसे आने लगेंगे, प्रमोशन मिलने लगेंगे। जॉब के अंदर आपकी वाह वाह होगी, आपसे काम से बॉस सेटिस्फैक्ट होंगे, संतुष्ट होंगे। इनके जैसे काम सीखो, ये देखो कैसे काम कर रहे हैं, इनके पास सीखना चाहिए। ऐसे मिसाल देंगे आपकी, लोगों को मिसाल दी जाएगी। ऐसा अभी आपका टाइम 30 डेज के अंदर चालू होने वाला है। 30 डेज मेन, जैसे मैंने बोला, बिजनेस सेटअप होगा, बिजनेस बढ़ेगा, रिटेल, होलसेलर, जो भी आप काम करते हो उसमें अचानक से इनपुट आएगा, एक ग्रोइंग आएगा। नई गाड़ी लेने का टाइम आया है, नया घर लेने का टाइम आया है, घर में नया फर्नीचर कराने का टाइम आया है, नई प्रॉपर्टी लोगे, प्लॉट्स लोगे, शेयर लोगे, डिवेंचर लोगे, एसेट्स लोगे, लिक्विड मनी, पैसे का फ्लो बढ़ेगा। अभी हर तरफ से 30 डेज आपके लिए तोहफे लेके आएंगे, पैसा, धन, वैभव बढ़ेगा, गाड़ियाँ घोड़े आएंगे, सब आएगा अभी ये 30 डेज के अंदर। ऐसे और के वीडियो लेके आऊँगा, तब तक के लिए नमस्कार।